15वीं विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल की शुरुआत से ही सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की ओर से प्रदेश में हिंदी फिल्म छपाक को टैक्स फ्री करने को लेकर राजकोष में हुई हानि का सवाल पूछा, और जिस पर मंत्री धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि 6 महीने के लिए फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, ये सरकार का नीतिगत निर्णय है। धारीवाल ने कहा कि एसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी फिल्म है, जिसमें महिला अटैक के बाद भी हिम्मत नहीं हारती है और एनजीओ चलाती है, इसके माध्यम से नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है। वहीं विधायक शंकर सिंह रावत ने इस पर पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि फिल्म की नायिका क्या वही दीपिका पादुकोण है जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के पास गई, और इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि आप पूरक प्रश्न केवल सवाल के संबंध में ही पूछ सकते हैं। इस पर बीजेपी विधायकों की ओर से जमकर हंगामा किया गया। वहीं जब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी अपनी ओर से सवाल पूछना चाहा, तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट भी किया और प्रश्नकाल में सदन से बाहर रहे। आज पहला प्रश्न हमारे ब्यावर से आने वाले मान्य सदस्य का था, छपाक फिल्म में स्टेट जीएसटी के बराबर कर में छूट दी है। सवाल पूरक सवाल के माध्यम से मान्य सदस्य ने ये जानना चाहा, क्या इसकी नायिका दीपिका पादुकोण वही है जिन्होंने जेएनयू यूनिवर्सिटी में जाकर भारत विरोधी ताकतों को ताकतवर बनाने का काम किया था। सीने तारीखा कौन थी, उसका नाम बताओ। इस पर अध्यक्ष जी ने हमें अलाउ नहीं किया। मेरे सहित प्रतिपक्ष के नेता ने खड़े होकर कहा कि सप्लीमेंट्री सवाल पूछना हमारा अधिकार है, पूरक प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। अध्यक्ष जी ने अनुमति नहीं दी। इसके विरोध में हमने आज पूरे प्रश्नकाल का बहिष्कार किया है। प्रश्न करना और उसके अंदर पूरक प्रश्न पूछना, ये विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम के तहत हमारा अधिकार है। उस अधिकार से वंचित करने का काम होगा तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। उसी प्रकार की श्रृंखला में आज अध्यक्षीय व्यवस्था के विरुद्ध में हमने प्रश्नकाल का बहिष्कार किया। चलिए आपको सीधे राजस्थान विधानसभा लिए चलते हैं, जहां सदन की कार्यवाही जारी है। कौन है, क्या उसकी पूंजी नहीं बढ़ रही? हमने तो सुना था देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा आदमी है, जैसा भी है किसी पार्टी का है। हम किसान हैं, डबल आय होगी। मैं तो घाटे में जा रहा हूं, मानी सभा नहीं डलवाए तो मेरी तो गाड़ी नहीं चले। मैं सब ज्यादा घूमता हूं, ये कोई नहीं घूमता इतना प्राइवेट गाड़ी में जितना मैं घूमता हूं। तो मैं घाटे में क्यों जा रहा हूं, मेरे पास भी मैं नहीं कहता मैं बड़ा आदमी। फिर ये क्यों हो रहा है? आप तो कृपा करके संदेश दीजिए, और आप चाहो तो मैं प्रस्ताव रख दूं, बीजेपी समर्थन करे तो देश की नवरत्न कंपनियों को बेचने से रोकने के लिए मोदी के हाथ बांध देने चाहिए। आप चाहो तो मैं प्रस्ताव रख देता हूं। देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो आप, और कैसे बर्बाद कर रहे हो? केवल ट्रंप से हाथ मिलाने के लिए, जो ट्रंप दिल से आज भी किसी न किसी को नफरत करता है। वो डीआरडीओ सारे खत्म करके, इंजीनियरों को खत्म करके, और हमारे हथियार विश्व के अच्छे से अच्छे आयुध निर्माण की संस्थाओं में हिंदुस्तान की संस्थाएं, आप जाके देख लीजिए, नहीं देखा हो तो। हम सबसे अच्छे विमान बना सकते हैं, हम सबसे अच्छे पेटेंट टैंक बना सकते हैं, हम सबसे अच्छी गोला बारूद कर सकते हैं। इसलिए माने जो स्थितियां बन रही है, 80,000 करोड़ के हथियार कहां से कर दे? अमेरिका से। ईमानदार हो, बच्चे बच्ची नहीं है। जब मेरे पीछे खाने वाला कोई नहीं होगा तो मैं कमीशन क्यों खाऊंगा? फिर भी मैं खा रहा हूं। आप बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि मेरा परिवार नहीं है। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो मेरे लिए कर रहा हूं। इसलिए मान्यवर, इस भ्रष्टाचार को खत्म करिए, और 88,000-90,000 लाख करोड़ का जो कर्ज है उससे बचाइए। रिजर्व बैंक से कर्ज लेके कंगाल मत करिए, बैंकों को मिला के गरीब को मत करिए। ये तो वह इंदिरा जी थी, ये तो इंदिरा जी थी जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीब के लिए किया। मोची जो जूती गाड़ता है उसके लिए किया, आप उनको मिला रहे हो। 70,000 करोड़ रुपया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सदन में
आभार व्यक्त करता हूं उनका, किसानों के नाते हिंदुस्तान के किसानों का 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किया माननीय सभापति महोदय। पूंजीवादी व्यवस्था में बैठे लोग क्या कहते हैं, किसानों ने देश को बर्बाद कर दिया। तो बता सकते आप नाम, 1,21,000 करोड़ का कर्जा किसका माफ किया बताइए। और नहीं तो मैं बताता हूं मोदी जी के खिलाफ प्रस्ताव पास करें, क्यों क्या कर्जा माफ, किसान पूरे हिंदुस्तान का 72,70,000 करोड़, वो भी किसने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो किसान का बेटा है आज भी उसके घर में खेती। सभापति महोदय कथनी और करनी में कितना अंतर है तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप धर्म की नाम की बात बहुत करते हो। मान्य राठौर साहब, हिंदू धर्म में पहला अवतार कौन सा है मैं बताता हूं, मत्स्य अवतार। माताजी की छुट्टी, बहुजी की छुट्टी, दादा की छुट्टी, काकी की छुट्टी, बाप की छुट्टी, अरे मत्स्य अवतार की छुट्टी तो करवा दो। चलो मैं कांग्रेस के साथ भी कहता हूं, मेरी पार्टी से भी कहता हूं, मैं चाहता हूं हिंदू धर्म का अपमान ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सभापति महोदय आप भी मेरा साथ दीजिए, कम से कम जब छोटे मोटे भूत पिशाच प्रेत की छुट्टी है तो प्रथम अवतार की भी छुट्टी होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है और पूरे सदन से निवेदन है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।